अयोध्या में स्थित राम मंदिर के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और ऐसा देश है जहां उसका अपना एक अयोध्या है, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि एक राजवंश है जिसके हर राजा को राम का ही अवतार माना जाता है। ये बात ऐसी है कि जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। थाईलैंड का मौजूदा चक्री राजवंश खुद को राम कहता रहा है, वही राम जो विष्णु के अवतार भगवान राम के रूप में हिंदुओं के आराध्य हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा माजरा, और साथ ही यह भी जान लेते हैं कि यह राजवंश अपने नाम में राम के नाम का उपयोग क्यों करता है, और इसका हिंदुओं के भगवान राम से कोई रिश्ता है भी या नहीं। दरअसल थाई परंपरा के अनुसार जनता राजा का नाम नहीं लिया करती थी, इसलिए राजा के लिए अलग संबोधनों की जरूरत होती थी। काफी समय तक कई राजवंशों ने अपने नाम के आगे कई तरह की उपाधियां लगाई। इसके बाद वज्रावुध नाम के एक राजा ने खुद को राम पंचम कहा। इसके बाद यह एक परंपरा बन गई, और उसके बाद से लेकर अब तक थाईलैंड के राजा की उपाधि राम दशम हो गई। तो चलिए अब जान लेते हैं कि थाईलैंड की अयोध्या क्या है। थाईलैंड में एक प्रसिद्ध नगर है जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ के राजाओं को रामाधिबोधि यानी अधिपति राम की उपाधि हासिल रही। रामायण में भगवान राम की राजधानी के तौर पर जिस अयोध्या का जिक्र मिलता है, उसी संदर्भ से इस अयोध्या को जोड़ा जाता रहा है। यहाँ का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम रामकीन है, जिसे थाई रामायण के बराबर का दर्जा हासिल है। 18वीं सदी के अंत में तहस नहस की जा चुकी थाईलैंड की अयोध्या यानी अयोध्या नगरी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। थाईलैंड के इस स्थान पर राम की प्रसिद्धि ही भारत से काफी पर्यटकों को यहां पर आकर्षित करती रहती है।